हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू साइबर वैली। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो से बात करेंगे, अगर आपके पास सीबी पैन का आईडी है, अगर आप सीबी पैन से एनएसडीएल पैन कार्ड अप्लाई किया यहाँ से, तो आपका अगर उसका ट्रैकिंग आईडी नहीं मिला और आपके पास इस तरह से रेड जो नोटिफिकेशन है ऊपर में आ रहा है, देखिए यहाँ पर डियर यूजर हेल्प योर एनएसडीएल पैन कार्ड इज ऑन होल्ड। आपका एनएसडीएल पैन कार्ड क्यों हो गया, होल्ड हो गया, इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आज हम इस वीडियो से बात करेंगे। अगर आप एनएसडीएल पैन कार्ड अप्लाई किया सीबी पैन थ्रू, अगर वो पैन कार्ड होल्ड हो गया तो आप वो होल्ड सिस्टम को कैसे सॉल्व करेंगे, होल्ड को कैसे क्लियर करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए एनएसडीएल पैन कार्ड बोल के एक ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कीजिए, टोटल पैन हिस्ट्री में क्लिक कीजिए, उसके बाद आप यहाँ से डेट सिलेक्ट कीजिए, कौन सा डेट में आप अप्लाई किया था उस डेट को यहाँ पर आप सिलेक्ट कीजिए, डेट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। चलिए हम सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद आज की डेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है और सर्च में क्लिक करना है। जब आप सर्च करेंगे आपका यहाँ पर देखिए आपका पैन कार्ड यहाँ पर है होल्ड, यहाँ पर क्या है देखिए रेस्पॉन्स बोल के यहाँ पर एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या करना होगा, यहाँ पर आपका दे दिया क्या करना है, अपलोड 49A फॉर्म प्लस आधार कार्ड, आपको 49A फॉर्म फिलअप करना है, उसको अपलोड करना है और आधार कार्ड को अपलोड करना है। यहाँ पर क्लियरली आपको चीज मेंशन कर दिया रिस्पॉन्स में, तो आपको इस होल्ड को क्लियर करने के लिए एंड व्यू में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पर आपको आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार कार्ड सिलेक्ट करना है, क्योंकि न्यू पैन कार्ड में ओनली आधार कार्ड दे देंगे तो आपको पैन कार्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। देखिए प्रूफ ऑफ एड्रेस में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर हमको क्या करना है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर क्लिक करेंगे और आधार कार्ड अपलोड करेंगे। बोला था यहाँ पर आपको कौन सा चीज अपलोड करने के लिए बोला था रिस्पॉन्स में, आपको बोला था फॉर्म 49A और आधार कार्ड आपको अपलोड करना है, तो चूज फाइल में क्लिक कीजिए, आपके पास जो पैन एप्लीकेशन है उसको यहाँ से ठीक से पैन एप्लीकेशन और आधार कार्ड को आपको अपलोड करना है। तो इस तरह से आपको पैन एप्लीकेशन और आधार कार्ड को अपलोड करना है, सबमिट में क्लिक करेंगे, सबमिट में क्लिक करने के बाद अगर आप डैशबोर्ड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो होल्ड ऑप्शन था वो आपका होल्ड ऑप्शन रिमूव हो गया। अगर आपका पैन कार्ड इस तरह से होल्ड होता है तो आप होल्ड जो पैन कार्ड है उसको इस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड करके या क्या प्रॉब्लम है रिस्पॉन्स में देखिए, उसके बाद ही आप उस होल्ड को जो पैन कार्ड होल्ड है उसको क्लियर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए आपको फ्रेंड को। अगर आपको इस पोर्टल का सीबी पैन का आईडी पासवर्ड चाहिए तो व्हाट्सएप पर एसएमएस कर सकते हैं, या पर एनएसडीएल पैन कार्ड, यूटीआई पैन कार्ड, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, गूगल प्ले स्टोर रीडिंग कोड एंड फाइंड पैन एंड फाइंड पीडीएफ आप कर सकते हैं। अगर आईडी लेना चाहते तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।